फुट 150 फुट का रास्ता निकाल दिया है कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको लेके जा सकते हैं, उनको एरिया भी दिखा सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। इस दफ़ा क्योंकि पुरानी कुछ गलतियों से हमने सबक सीखा, पिछली दफ़ा ये हुआ था कि हमने लैंड ओनर्स के साथ एग्रीमेंट्स किए कि जी ये इतने में सौदा हो गया, इतने में सौदा। जब हम पैसे देने पे आए तो पता चला कि उन्होंने कहा जी 10 times कीमत बढ़ गई है। बीच में कंट्रैक्टर्स भी यही कहते कि जी आप क्या करें, आप तो गुलबर्ग में रोड निकाल दी है, 4 lakh वाली जो ज़मीन मिलती थी 4.25 lakh रुपये जो गोरियों के भाव पहले होती थी, ये इसकी हमारी एक्सप्रेस वे निकालने से वो पता चला 50 lakh पे चली गई। और सब जिम्मेदार यही डिमांड कर रहे हैं। इस दफ़ा उस गलती को हमने रिपीट नहीं किया। पहले हमने ज़मीन क्लियर की है, वे भी कोई 95% हम ज़मीन जो है ए एग्जीक्यूटिव 2, ए एग्जीक्यूटिव प्रीमियम, एफ एग्जीक्यूटिव के 1, 2, 3, 4 और ई एग्जीक्यूटिव की हम सारी क्लियर कर चुके हैं। अब सिर्फ इसकी डेवलपमेंट का काम बाकी। एक चीज मैं आपको गुलबर्ग के बारे में गारंटी ये करना चाहता हूँ कि हम वी आर नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हम प्राइवेट कंपनी नहीं है कि जहाँ से मैंने मुनाफा जनरेट करके और जाके बाहर मैंने किसी फॉरेन अकाउंट में अपने अकाउंट में रख देना है या किसी चीज में रख देना है। हमने यही पैसा जो आप लोग जो हमारे मेंबर्स देते हैं इसको वैल्यू एड करके, इसी के साथ ही जो इसकी एक और खूबी जो है गुलबर्ग की जिसपे मैं कहता हूँ कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे जो फॉर एग्जांपल जो प्लाट्स का एरिया भी जो जहाँ पे पॉकेट्स में फंस गए थे जिनको हम डिलीवर नहीं करने पा रहे थे, उसके लिए 2018 में जो AGM है IB एम्प्लाईज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एनुअल जनरल मीटिंग, उस पर ये इशू हमने एट लेंथ डिस्कस किया। पैसे मुझे प्लाट पर भी नहीं मिला। मैं आपको आपके प्लाट की मार्केट प्राइस जो है थ्रू अथॉरिटी, एक दो बंदे कोई डीलर से आ जाते हैं जैसे वो बना के हम अपनी वो लोगों को मार्केट प्राइस वापस कर देते हैं जो उस ब्लॉक पे डेवलप प्लाट्स की। इस सिलसिले में मेरे सामने हमारे लीगल एडवाइजर बैठे हुए हैं और शायद मुझे गफार साहब नज़र, सो मैनी प्लाट्स हमने ऑफर कर दी कि मार्केट, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन एक अच्छी चीज जो मुझे गुलबर्ग की लगी, वहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा आखिरी जो ऑप्शन था कि वरना आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, दे प्रेफर्ड कि हम इसको थोड़ा सा आपका और टाइम दे देते हैं, इंतजार कर लेते हैं। तो गुलबर्ग को एक सेक्टर या एक ब्लॉक के तौर पर प्लान नहीं किया। और इस मामले में वी आर बेटर देन बहरिया, वी आर बेटर देन DHA, देखिए इतना कर ले इतना कर ले। गुलबर्ग की प्लानिंग माशाल्लाह उन दोनों से भी बहुत बेहतर है। बल्कि जब DHA की एक टीम आई तो हमने उनको खुले दिल से ऑफर किया। उन्होंने कराची में जब वो DHA बनाने जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे गुलबर्ग से ब्रीफिंग ली कि आपने इसको कैसे इतना अच्छा किया है, हमें ज़रा गाइड कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग के हवाले से गुलबर्ग इज़ अ टॉप क्लास सोसाइटी। बल्कि सोसाइटी चूँकि हमें कहना पड़ता है इट इज़ अ सिटी।